सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। एक बार फिर से भारत बंद के लिए तैयार हो जाए, इस बार दवा कारोबारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ई फार्मेसी को लेकर अधिसूचना का थोक और फुटकर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। देश भर के दवा विक्रेताओं ने 20 से 27 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करने और 28 सितंबर को महाबंद आयोजित करते हुए समस्त कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन UPCDA के महामंत्री राजेंद्र सैनी ने ई फार्मेसी के नियमितीकरण के आदेश का कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने कहा ये आदेश दवा व्यापार के इतिहास में काला अध्याय साबित होगा और दवा व्यापारियों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। उन्होंने कहा ई फार्मेसी व्यवस्था लागू होने से दवा व्यापार की संपूर्ण संरचना विकृत हो जाएगी, ग्रामीण अंचलों में दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी और दवाओं का दुरुपयोग भी बढ़ जाएगा। इस आदेश की वजह से लाखों दुकानदार और कर्मचारी प्रभावित होंगे और ये व्यापार छोटी पूंजी वालों के हाथ से छीनकर धनाढ्य घरानों के हाथों में चला जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरधारी लाल भक्त्यानी का कहना है कि संस्था द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। दवा व्यापारियों की राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय केमिस्ट और ड्रग संगठन AIOCD ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी है। सभी दवा व्यापारी 20 से 27 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे और 28 सितंबर को अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताएंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।